गुड मॉर्निंग। देखिए क्लास 11 बायोलॉजी में ये आपका सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया है क्योंकि पहले ये पढ़ा दूंगा, बाद में उसको कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आप 9th क्लास में पढ़े हैं। इसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? किसी को स्टडी करना अगर कई भाग में बटे हुए इस टाइप से तो हैजर्ड मैनर में तो उसको नहीं स्टडी किया जा सकता है। तो इसके लिए किया जाता है, एक सिस्टम बनाया गया है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। उनको क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग दो है, एक प्लांटी और एनिमेलिया। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल वॉन लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस भी इनका नाम था। इन्होंने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। इनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म थे दो भाग में उसको बांटा गया, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई इनके क्लासिफिकेशन में कि कुछ ऑर्गेनिज्म कहे भाई हमें किसमें रखा जाएगा। ठीक है, जैसे फंजाई चिल्लाने लगे कि भाई ऐसा है हमें कहाँ रखा जाएगा, हम तो जो है न तो प्लांट के पूरे करेक्टर शो कर रहे हैं न एनिमल के। भाई प्लांट सेल में सेलवाल किसका बना है? सेलुलोज का। लेकिन इसमें सेलवाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। सेलवाल वहाँ सेलुलोज का बना होता है, यहाँ पे सेलवाल किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके साथ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, उसके बाद मोनेरा जो बैक्टीरिया है वो कहे भाई हमें कहाँ रखोगे, हम तो प्रोकैरियोटिक हैं, हमें कहाँ रखोगे? हमारे लिए समस्या है, हमारा जो सेलवाल है वो किसका बना हुआ है? पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। जबकि जनरली प्लांट सेल में सेलवाल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो ये एकदम अलग हो गया जो है। ठीक है, प्रोटिस्टा ये अलग इनकी प्रॉब्लम है भाई, ये यूकैरियोटिक तो है लेकिन यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग है। इस वजह से जो है क्या हुआ कि बाद में इसको जो है क्या किया गया, इसको जो है क्लासिफिकेशन जब किया गया, ये जो टू किंगडम सिस्टम था पढ़ा तो जाता है लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया ये। ठीक है, फिर आया ये जो है फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसके बीच में 3-6 किंगडम सिस्टम भी आया और 4 भी आया, लेकिन ये जो है सब प्रेजेंट टाइम में इसी को फॉलो किया जाता है। ये है फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? प्रोफेसर आर.एस. विटेकर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि जितने भी आर्यन है इनको फाइव किंगडम में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें करेक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे अगर देखा जाए मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, एब्सेंट। और प्लस का मतलब प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सब में पाया जा रहा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक है। यहाँ पे देखिए एक एक करेक्टर आप लेके चलिए, अगर पूछा गया बताइए कौन से ऐसे हैं कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, तो आप क्या कहेंगे? मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी क्या है? यूकैरियोटिक है। दूसरा, सेलवाल किसका बना होता है? सेलवाल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? या पाया जाता है तो किसका बना होता है? तो यहाँ पे सेलवाल किसका पाया बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। जबकि प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। फंजाई में सेलवाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। प्लांटी में सेलवाल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। जबकि एनिमेलिया में सेलवाल क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का आप खास बात जानिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड, NUCLEOID, न्यूक्लियॉइड, या इसी को कहते हैं ज़ीनोफोर, GENOPHORE, ज़ीनोफोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियॉइड या ज़ीनोफोर कहते हैं। कहाँ पे? मोनेरा में प्रेजेंट होता है, बाकी सब में सेलवाल क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यहाँ पे सिंगल सेल होता है, सेलुलर होता है। ठीक है, या ग्रुप में सेल होते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर टिश्यू का फॉर्मेशन कतई नहीं करते हैं, तो इसलिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? सेलुलर है।
टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे, सेलुलर यहाँ भी होता है, यहाँ पे सेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब सेलुलर कहाँ आता है, याद रखिए ईस्ट जो होता है, ईस्ट ईस्ट सिंगल सेल का बना होता है। यूनिसेलर अगर पूछा जाए, कोई यूनिसेलर फंजाई का नाम बताइए तो क्या बताएंगे, ईस्ट इज द यूनिसेलर फंजाई, इसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी कहते हैं। और ये मल्टीसेलर भी होता है, ज्यादातर मल्टीसेलर होता है। अब देखिए प्लांटी में टिश्यू लेवल और आर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और आर्गन का। और इसी तरह अगर एनिमेलिया में बात करें तो यहाँ टिश्यू आर्गन और आर्गन सिस्टम तीनों पाया जाता है, तीनों तरह की कंडीशन पाई जाती है। अब आ जाइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर देखें, ऑटोट्रॉपिक का मतलब ऑटो मीन्स खुद से फूड का फॉर्मेशन कर ले, उसे क्या कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसा कि प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कीमोसिंथेसिस भी होता है। याद रखिए कीमोसिंथेसिस सिर्फ बैक्टीरिया में ही होता है, कहीं कीमोसिंथेसिस नहीं होता है। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है या तो इनगल्फ करेगा, खाएगा किसी को, या तो पैरासाइट होगा किसी पे, यानी उससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा, ठीक है। लिविंग से अगर न्यूट्रिशन लेगा तो उसको पैरासाइट कहेंगे, अगर डेड से न्यूट्रिशन लेगा तो उसे क्या कहेंगे सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो हेटरोट्रॉफ में तीनों आती हैं, तीनों कंडीशन आती हैं। होलोजोइक भी हो सकता है, जैसा कि होलोजोइक कंडीशन एनिमल पाया जाता है, मेनली यहाँ पे आप याद रखिए पैरासाइट, पैरासाइट और सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट। पैरासाइट का मतलब लिविंग पे अगर डिपेंड रहेगा और सैप्रोफाइट का मतलब डेड पे डिपेंड होगा, डेड पे अगर फूड के लिए डिपेंड होता है तो उसे क्या कहते हैं सैप्रोफाइट कहते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेटरोट्रॉपिक हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली हेटरोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक कतई नहीं होता है, ठीक है। यहाँ भी ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरी तरह से, और यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक होता है। तो हेटरोट्रॉपिक सिर्फ कहाँ कहाँ होते हैं, फंजाई और एनिमेलिया में, ये एकदम कंफर्म हेटरोट्रॉपिक होंगे, बाकी सब में अलग अलग है। तो ये जो है आपका टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया और फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट टर्म पे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर यही चलता रहेगा, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सेकेंड चैप्टर है आपका, ये सेकेंड चैप्टर, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, ये चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर मैंने कहा है बाद में मैं कवर करूंगा, अभी आप ये तैयार करते चलिए, एनसीईआरटी आप फॉलो करिए, एनसीईआरटी कई बार पढ़िए, वीडियो कई बार देखिए, एक बार नहीं बार बार देखेंगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा। एनसीईआरटी भी आप बार बार देखते रहिए, एनसीईआरटी कई बार आपको पढ़ना है, 10 times 100 times आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। यू वॉन्ट टू टेक सिलेक्शन इन एमबीबीएस देन यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी एटलीस्ट 100 times, 100 बार कम से कम पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है, नहीं तो भूल जाए, कंपटीशन बहुत बड़ा होता है जो है, मतलब आपको कई बार पढ़ना है, मेहनत करना है, और करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं नहीं होता है, करने से ही होता है, ठीक है। तो अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार मैं कर रहा हूँ, अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है वीडियो, लाइक करिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप पूरी और वीडियो पूरा देखिए, ये नहीं कि बीच में स्किप कर जाइए, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, नोट्स तैयार करते चलिए, चलिए फिर मिलेंगे, थैंक यू।